अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ऐसा डिज़र्ट शेयर कर रही हूँ जिसको हमें बिल्कुल भी पकाना नहीं पड़ेगा। 200 ग्राम बिस्किट लिए हैं, 1 कप मैंगो क्यूब्स हैं। बिस्किट जो है, अगर बिस्किट काउंट करें तो 36 बिस्किट बनते हैं। मैंगो प्यूरी है 3/4 कप। इसके अलावा मैंने 200 ग्राम व्हीपिंग क्रीम ली है। ये टेट्रा पैक क्रीम नहीं है, ये व्हीपिंग क्रीम है। बटर इसके लिए मैंने 50 ग्राम लिया है, सॉल्टेड बटर है। सबसे पहले चॉपर में बिस्किट्स को डाल लेंगे और इनको चॉप कर लेंगे। इसका जो हम चूरा तैयार कर लेंगे, अब इसमें बटर को मेल्ट करके मैं शामिल कर दूंगी और दोबारा से इसको चॉप कर लूंगी। ये हमारी डिज़र्ट की बेस तैयार हो जाएगी। गर्मियों में दिल नहीं करता कुकिंग का, इस तरह से अगर डिज़र्ट बनाया जाए तो बहुत अच्छा बनता है। व्हीपिंग क्रीम को हम बाउल में डाल के और सॉफ्ट पीक तक इसको व्हिप कर लेंगे। क्रीम को मैंने व्हिप कर लिया है, अब इसको मैं एक पाइपिंग बैग में डाल लूँगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं इस्तेमाल। मैं अपनी आसानी के लिए इसको पाइपिंग बैग में डाल लूँगी। ये पाइपिंग बैग में मैंने फिल कर लिया। थोड़ी सी जो क्रीम बचा ली है मैंने, उसमें मैंने आधा कप जो है प्योरी का शामिल कर लिया है। थोड़ी सी प्योरी मैं वो भी पाइपिंग बैग में डाल के रख लूँगी अलग से। ये मैंगो क्रीम तैयार हो गई है, अब हम इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले नीचे हम बिस्किट की बेस बना लेंगे, एक थिक सी बेस बनाएंगे हम इसकी, और उसके ऊपर ये मैंने पाइपिंग बैग में जो व्हिपिंग क्रीम व्हिप की थी उसको शामिल करके हल्का सा इसको हम लेवल कर लेंगे। इसके ऊपर मैंगो के क्यूब्स शामिल कर देंगे। मज़ेदार सा हमारा डिज़र्ट तैयार हो रहा है और कोई टाइम इसको तैयार होने में नहीं लगेगा, आप पहले से बना के भी रख सकते हैं। इसके ऊपर ये मैंगो क्रीम जो तैयार की थी, व्हिपिंग क्रीम में हमने मैंगो प्योरी डाल के शामिल तैयार की थी, वो शामिल कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा लेवल कर लेंगे। अब ये मैंगो प्योरी है, इसको हम थोड़ा सा ड्रिजल कर लेंगे इसके ऊपर। आखिर में दोबारा से व्हिप्ड क्रीम हम लगा देंगे और हल्का सा हम इसको लेवल कर लेंगे। अब आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से इसको डेकोरेट करते हैं। मैंने छोटे छोटे ड्रॉप्स मैंगो प्यूरी के और व्हिप्ड क्रीम के लगा लिए हैं। इसको किसी स्टिक की मदद से, वुडन स्टिक है, इस तरह से हम इसके पैटर्न तैयार कर लेंगे। कोई भी आप बना सकते हैं जैसी आपकी चॉइस हो। ये देखिए, और इसके हम साइड्स पे वही बिस्किट का जो चूरा हमने तैयार किया था वो लगा लेंगे। खूबसूरत, खुशनुमा और मज़ेदार डिज़र्ट तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम सिंगल सर्विंग में भी बना सकते हैं और मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।